अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमारे पास एक भाई मौजूद हैं, इनका एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी ये अपना क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाद उसको कवर करेंगे। तो जी वसीम भाई, आप बता सकते हैं, चल रही है वीडियो? हाँ चल रही है। अच्छा, तो वसीम भाई सवाल मेरा ये छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर मुर्गा मुर्गी जब मिलते हैं, मतलब वो रल जाते हैं, तो उसके बाद कितनी देर के बाद वो अंडे देना शुरू हो जाते हैं? ये छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, बस इसको आंसर करते हैं प्लीज़, मेहरबानी होगी। सो हाय गाइस, दिस इज़ वसीम एंड कैसर, सो लेट्स गो टू वसीम अभी लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, आज काफ़ी ठंड शंड है और काफ़ी स्मोक भी पड़ रही है। तो भाई जान, जो तो है पहलन मुर्गी पहली बार मुर्गे के साथ मिली है, वो तकरीबन 10 दिन तकरीबन ले जाती है, 10 दिनों के बाद अंडे देना शुरू हो जाती है। और दूसरी जो मुर्गी होती हैं, पहले भी अंडे दे चुकी होती हैं, उनके मुकाबले में से ये जो पहली बार मिली है, ये इनकी अंडों की रेशो भी ज़्यादा होती है और बच्चे भी इनके 100% यानी कि 100/100 ही निकलते हैं, अगर अच्छी परवरिश हो तो। तो ये तो हो गई पहलन मुर्गी की बात है, यानी कि पहली बार जो मिली है मुर्गे के साथ। अभी जो पुरानी मुर्गियां हैं या एक दो दफ़ा अंडे दे चुकी हैं या एक दो मर्तबा बच्चे भी निकाल चुकी हैं, वो जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं तो वो उनकी अंडों की रेशो जो है वो कम होती जाती है, तो अंडे वो भी उतने दिनों में ही देती हैं, यानी कि 8-10 दिन 12 दिन, कई कई मुर्गियां होती हैं 15-15 दिन भी ले जाती हैं, लिहाजा हफ्ते 8-10 दिन में मुर्गी अंडे देने शुरू हो जाती है। तो जी उम्मीद है हमारे इस भाई को इसका आंसर मिल गया होगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।